बैठिए बस यहाँ खड़ा फूकते करते हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल ट्रैवल इंडिया विथ ऋषि आपका अपना चैनल ट्रैवल इंडिया विथ ऋषि पे आपका स्वागत है 27 दिसंबर 2:03 अब भाई बैक हो रहा है इलाहाबाद से आपको मैंने बताया था कि मैं 2-3 दिन इलाहाबाद में रहूँगा आज तीसरा दिन था और बैक पटना जा रहा है पटना बनारस होके जाऊँगा जो सिविल लाइन से मुझे बस मिलेगा वहाँ बनारस जाऊँगा एक दिन स्टे करूँगा और उसके बाद मैं पटना निकलूँगा तो चलिए मैं इलाहाबाद से बनारस का एक बस जर्नी आपको करवाता हूँ अगर आप कभी इलाहाबाद आओ अगर आप बजट होटल की तलाश कर रहे हैं तो ये होटल बेस्ट है श्री कृष्णा इन दम नियर बाई इलाहाबाद जंक्शन के स्टेशन के बगल में है आपको मैं रूम का एक टूर करवा देता हूँ इंटीरियर भी अच्छा है रूम का और बाथरूम भी अच्छा बना हुआ है फिनिशिंग सही है मेंटेन है स्टेशन को पैदल पार करने के लिए बना हुआ है अभी मैं हवा हवाई पे बैठा हूँ इससे मैं सिविल लाइन जाऊंगा बस स्टॉप वहां से मुझे बस मिलेगी बनारस की आइए सिविल लाइन कितनी देर लगेगा सिविल लाइन जाने का कितना नहीं नहीं 2 मिनट में मतलब कितना समय लगेगा जाने का यहाँ से वहाँ 5 मिनट हम बस स्टैंड के पास आ चुके हैं और यहाँ बस है यहाँ से हम बस लेंगे बनारस का कहा भैया बनारस ये हमारी बस लगी इससे जाएंगे हम लोग बनारस अभी हम लोग गोपीगंज पहुंच चुके हैं यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है पैसेंजर्स को थोड़ी रिलैक्स होने के लिए वॉशरूम वॉशरूम किसी को जाना हो वो जा सकते हैं आधा जर्नी हम लोग ने कवर कर लिया चाय पियो पियो चलिए गोपीगंज की चाय की चुपकर चुपकर की चाय की चुस्की लेते हैं
गोपीगंज से ही आप मिर्जापुर विंध्याचल जाने का रास्ता है, आपने मैंने पीछे देखा होगा। आप कुछ तूफानी करते हैं, ठंड में भी भाई आपका थम्स अप पी रहा है, शौक से नहीं पी रहा है। कुछ मैंने होटल में अटपटा कुछ खा लिया था, तो मैंने अपने थोड़ा सा पेट को वो करने के लिए मैं थम्स अप पी रहा हूँ। ठंड में थम्स अप ऐसे नहीं पीना चाहिए। भाई आपका बनारस पहुँच चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल।